Indus Institute of Technology Management, Vilhar, Kanpur, where admissions are open in BTech, MBA and Polytechnic. दर्शकों नमस्कार, खबर आ रही कानपुर नगर से, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरंभ हुई मां के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। कानपुर नगर में शुक्रवार को गंगा बैराज के पास कोटा मंगलपुर गांव लुधवा खेड़ा स्थित मां भगवती इच्छापूर्ति मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विद्वान पंडितों द्वारा पूजन, मंत्र उच्चारण व हवन आरंभ कर दिया गया। यहाँ 18 तारीख को माँ भगवती की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी और 19 तारीख को मंदिर के कपाट आम जनमानस के लिए खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राम नरेश ने बताया कि आज से विधि विधान से विद्वान संत महात्माओं के बीच धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया है। 18 जुलाई को माँ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 18 और 19 दो दिन माता का भंडारा चलेगा। 19 को आम जनमानस के लिए माँ के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही किए जाएंगे। कानपुर नगर से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। कार्यक्रम किया, जैसा आपने देखा, आपने स्वागत किया मंदिर के, क्या उद्देश्य है? यहाँ पटना में जो मंदिर में ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा था लगभग 1.5 वर्ष से, इसको आज हम स्थापित करने का अवसर भी प्राप्त हो गया है। 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई को ये 3 दिनों में ये माता रानी का अगर हमें मुझे मूर्ति स्थापना है हो जाएगी और 19 जुलाई को सारे भक्तों के लिए खोल दिया। क्या भंडारे का आयोजन किया गया था? 18 जुलाई और 19 जुलाई दो दिन का भंडारा रखा गया है। विशेष जो भी अतिथिगण आएंगे उनको भंडारा की व्यवस्था रह जाएगी। ठीक, कम किया है यहाँ पर श्री इच्छापूर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से राम नरेश जी, अजय चौरसिया जी आदि भक्तों के सदस्यों के द्वारा कोविड ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण 1.5 वर्ष से चल रहा था। बहुत सुंदर और भव्य मंदिर उन्होंने निर्माण कराया। पूरा पत्थर का मंदिर बना हुआ है, जयपुर स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर जगदम्बा दुर्गा जी जो मुख्य प्रधान देवता यहाँ पे हैं, उनकी यहाँ पर स्थापना का कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। दुर्गा मैया के साथ में महाकाली, महालक्ष्मी, महाल सरस्वती जी की पिंडी, 3 पिंडियों के यहाँ दर्शन होंगे। जैसा कि दर्शन वैष्णो देवी के मंदिर में होते हैं, उनके साथ में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी यानी राम दरबार, भगवते भगवान श्री राधा कृष्ण जी और शिव परिवार, इसमें नर्मदा से निकले हुए भगवान सदाशिव नर्मदा नारद लिंग यहाँ पर स्थापित हो रहा है। उनके साथ में शिव जी का पूरा परिवार है। भगवान संकट मोचन हनुमान जी की विशाल मूर्ति बाहर स्थापित हुई है, जो बहुत ऊंची मूर्ति है। उसके दूर से दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस मंदिर का जो नाम है इच्छा पूर्ति, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर मुख्य भक्त और श्रद्धा और उमंग के साथ में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो भी जन आएंगे दर्शन करने के लिए उन सबकी इच्छाएं माता रानी पूर्ण करेंगी। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।